Hello everyone. Today we'll be discussing the paper that you had in mock 1, mathematics. Now the topics that I'm covering from that question papers are permutation and combination, set relation functions, measure of central tendency, measure of dispersion, correlation regression, probability, probability distribution, जिसमें binomial, poisson और normal distribution आता है, and then statistical description of data. तो इसके जितने भी questions हैं आपके paper में, mock test 1 में, वो सबका solution हम discuss कर रहे हैं, alright? So please keep your question papers in front of you and look at question number 11 over there. Question number 11 बोलता है, find the sum of all four digit number containing the digits 2, 4, 6, 8 without repetition. तो उन्होंने 2, 4, 6, 8 चार डिजिट दिए हैं। ये चार डिजिट यूज करके आप जितने भी फोर डिजिट नंबर बना सकते हो उन सब नंबर्स का तुमको एडिशन फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैंने आपको पॉइंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला ये था। सम ऑफ ऑल डिजिट्स into n minus 1 factorial into 1 n times. अब यहाँ पे आपने को digits क्या क्या दिए 2 4 6 8, तो जब आप इनको add करोगे into, because there are 4 digits given to me, तो n का value 4 आएगा, तो 4 minus 1 3, what is 3 का factorial 6, and मैंने 111 n times बोला है और n का value 4 है, तो 111 4 times आएगा. So that will be 1111. Now if you calculate 10 plus 10 20, so this is 20 into 6 into 111. So your answer is 133320. So 133320 comes option D option. So its answer is option D. Clear? Now you come to question number 14. 14 में उन्होंने बोला है, A is a proper subset of B. Then which of the following is true? देखो, if you cannot simply mark the option by this condition, you create an example जो एक condition को satisfy करता है. A B का proper subset है मतलब क्या? A के सारे elements B में हैं, लेकिन B के सारे elements A में नहीं हैं. So let us take an example. देखो, A के सारे elements B में हैं, but B के सारे elements A में नहीं हैं, तो ये condition को satisfy कर रहा है। अब देखो, ये condition के साथ कौन सा option valid है? So if you go by trial error method, अगर आप B वाले option पे आओगे, अगर मैं आपको A और B का union लेने को बोलूँ, तो union में क्या होता है? सारे elements cover होते हैं, but कुछ भी repeat नहीं होता। तो A और B का union क्या आएगा? 1, 2, 3। ये कौन सा set है? B वाला set। और देखो, ऑप्शन बी 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 के बारे में बात कर रहा है, सो ये ऑप्शन करेक्ट है, ओके? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का क्वेश्चन है। इन अ स्टडी अबाउट मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉलेज इन 5 इयर्स, तो देखो उन्होंने 1995 का डेटा दिया है, 2000 का डेटा दिया है, फिर टेबल के नीचे बोला है आफ्टर कंबाइनिंग 1995 एंड 2000 का डेटा, एक्स इज डिनोटिंग रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू फीमेल साइंस स्टूडेंट एंड वाई का मतलब है रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट टू मेल साइंस स्टूडेंट, और फिर अपने को कंपेयर करके निकालना है। नाउ दिस इज एक्चुअली अ क्लास फोर क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है, मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ। आपको 1995 और 2000 का टेबल अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो 1995 का टेबल, वो टेबल में एक कैटेगरी आएगा मेल फीमेल का, और दूसरा कैटेगरी आएगा साइंस कॉमर्स का। एंड देन ये सेम स्ट्रक्चर 2000 वाला टेबल के लिए आएगा, मेल फीमेल टोटल,
science, commerce, total. And now let us analyze the data. 1995 देखो, total 3000 students बोले, तो total आएगा 3000. उसमें लोगों ने बोला 70% male है. 3000 का 70% क्या आएगा? 2100. तो male students 2100. That means ये 900 आए. Next is 65% read commerce. 3000 का 65% निकालो. 1950. तो कॉमर्स पढ़ने वाला 65% है 1950. Now from 3000 if you remove 1950 you get 1050 जो साइंस पढ़ते हैं. फिर उन्होंने बोले 20% ऑफ फीमेल रीड साइंस. फीमेल टोटल कितने हैं 900. इसका 20% साइंस पढ़ता है. व्हाट इज 900 का 20%? 180. Now you can complete the entire table. 900 में से 180 निकालो. 720 आएगा. 1950 में से 720 निकालो. 1230 आएगा. और 1050 में से 180 निकालो. 870 आएगा. Now this table is complete. यही format में 2000 का table complete करो. उसमें उन्होंने बोला total 3600 students हैं. जिसमें से 75% male है, तो 3600 का 75% कितना होता है? 2700. तो balance कितना हो गया? 900. आगे उन्होंने बोला 40% are reading science. इसका 40% साइंस पढ़ता है. व्हाट इज 3600 का 40%? 1440. बैलेंस 2160. और आगे लोगों ने बोले 50% ऑफ मेल आर रीडिंग कॉमर्स. इसका 50% मेल का 50% कॉमर्स पढ़ता है. तो इट इज 1350. तो ये भी 1350. नाउ 1440 में से 1350 निकालो तो आपको बैलेंस वैल्यू मिलेगा. तो 1350 में से 1440 90 प्लस समथिंग इज 900 व्हिच इज 810. ये दोनों टेबल कंप्लीट हो गया. अब देखो लोग ने क्या बोले. तुमको 1995 और 2000 का डेटा कंबाइन करके उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है. जिसमें एक्स का मतलब देखो क्या लिखा है. It is ratio of female commerce to female science. अब बताओ ये दोनों साल का female commerce किधर है? Female commerce. तो इधर आएगा 720 plus 810 to female science. हम निकालो ये ratio कितना आता है? So that is 720 plus 810, which is 1530, minus 270. Sorry, divided by 270, which is 5.67. ये x का value है. वैसे उन्होंने बोला y का मतलब है ratio of male commerce student to male science. तो y का नहीं करो. Male commerce. ऊपर ऐड करो. 1230 plus 1350 upon science 870 and 1350.
इसका आंसर 1.16 आ रहा है, तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर x का वैल्यू y से बड़ा है, तो x का वैल्यू y से बड़ा कौन से ऑप्शन में दिया है, b वाला ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अब 16th क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन, a माइनस बी। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको पॉइंट सेक्शन में लिखवाया था, a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a। ओनली a का मतलब क्या, a विल ऑकर एंड b विल नॉट ऑकर, a विल ऑकर एंड b विल नॉट ऑकर, यस और नो। तो देखो ना कौन सा ऑप्शन ये लॉजिक को फॉलो करता है। तो इफ यू लुक एट ऑप्शन बी, दैट इज अ सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू, सॉरी ऑप्शन बी का प्रेजेंटेशन गलत है, वो लोग ने सेट बिल्डर फॉर्म बराबर यूज नहीं किया। ऑप्शन सी देखो, इट इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। मतलब वो a में आता है b में नहीं आता है, a में आता है एंड b में नहीं आता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन। देखो बी में उन्होंने गड़बड़ क्या किया, उन्होंने सेट का प्रेजेंटेशन बराबर नहीं रखा है, दैट इज वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग। सी ऑप्शन में प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म यूज किए। इज दैट क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखो। इन अ कॉलेज देर आर 2500 स्टूडेंट्स, जिसमें से 652 फुटबॉल खेलते हैं, 405 लोग हॉकी खेलते हैं, 820 आर प्लेइंग क्रिकेट, 212 आर प्लेइंग फुटबॉल एंड हॉकी, 83 हॉकी एंड क्रिकेट, 87 क्रिकेट एंड फुटबॉल, और 76 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। दे वांटेड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट प्ले एट ऑल। थ्री सर्कल वाला वेन डायग्राम आएगा, एंड जब उनका फाइनल क्वेश्चन है डिड नॉट प्ले एट ऑल, तो जो तीनों में से कोई भी गेम नहीं खेलता वो कहां पर होगा? आउटसाइड द सर्कल। एंड हाउ डू वी फाइंड आउटसाइड द सर्कल? जो भी टोटल पॉपुलेशन है माइनस इनसाइड द सर्कल। टोटल पॉपुलेशन कितना दिए? 2500। तो भी अगर आपको इनसाइड द सर्कल पता चल जाए, दिस विल वाइंड अप द सर्कल। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल खेलने वाला 652 लोग है, हॉकी खेलने वाला 405 लोग है, और क्रिकेट खेलने वाला 820। If you want to complete the Venn diagram properly, you have to start with the innermost value. तो तीनों खेलने वाला कितना लोग है? 76. अब ये किसका लीफ है? फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाला कितना लोग है? 212. 212 में से 76 ऑलरेडी आके बैठे हैं, तो यहां पे 136 होंगे। फिर हॉकी एंड क्रिकेट का लीफ देखो, तो हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाला कितना लोग है? 83. 83 में से 76 ऑलरेडी आके बैठे हैं। सातो इधर आए। क्रिकेट एंड फुटबॉल का लीग देखो, क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाला कितना लोग है? 87. 87 में से 76 ऑलरेडी इधर आके बैठे हैं, दैट इज इक्वल टू 11. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? ये पूरा सर्कल 652 लोग से, जिसमें से 136, 76, 11 ऑलरेडी इधर आके बैठे हैं, तो 652 में से ये सब सबट्रैक्ट करो, इधर का आंसर मिल जाएगा। तो 652 माइनस 136 माइनस 76 माइनस 11 429। सेम इधर यूज करो, 405 माइनस दिस 3 वैल्यू, 186।
and 820 minus 11 minus 76 minus 726. And now you know inside the circle G, if we start value squared, kar denega. So if I add all the 7 value 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, I'll get my inside the circle answer, which is 1571. तो जब मैं 2500 में से 1571 सब्ट्रैक्ट करेगा, I'll get 929. तो 929 कौन सा ऑप्शन है? C वाला ऑप्शन. Is that clear? अब आप क्वेश्चन नंबर 19 देखो. उधर f of x दिया है 5 raised to x plus 1 upon 5 raised to x minus 1 और फिर उन्होंने बोला चेक करो कि f of x even function है odd function है composite है कि none of this है. obviously we'll check between even function and odd function. अब even and odd याद करो, f of x से आप पहले क्या find out करोगे? f of minus x. अगर simplify करने पे इसका answer वापस f of x आया तो वो इवन फंक्शन है, और सिंपलीफाई करने पे अगर इसका आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आया तो वो ऑड फंक्शन है. नाउ एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे ढूंढेगा? सर आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखा है, तो हम भी राइट हैंड साइड में जिधर एक्स है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस एक्स. एंड नाउ यूज लॉ ऑफ इंडेक्सेस. अगर मैं ये टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो पावर का साइन चेंज होगा. So it is 1 upon 5 raised to x plus 1, 1 upon 5 raised to x minus 1. अब cross multiply करके LCM ले लो. तो 1 plus 5 raised to x, the whole upon 5 raised to x, 1 minus 5 raised to x, the whole upon 5 raised to x. तो 5 raised to x, 5 raised to x cancel. अब 1 plus 5 raised to x बोलो या 5 raised to x plus 1 बोलो, बात तो एक ही है. Now from the numerator, if I take out minus sign common, तो negative term positive हो जाएगा और positive term negative हो जाएगा. ये minus sign ऊपर भेज, so it is minus 5 raised to x plus 1 upon 5 raised to x minus 1. अब minus sign को छोड़ के अगर आप ये expression पे focus करो, देखो यह वह है, तो उसके जगह पे मैं f of x लिख सकते हैं. So this is minus f of x. तो अगर इसका आंसर minus f of x है तो कौन सा फंक्शन है? Odd function. Which option is odd function? B वाला. So your answer is B, odd function. Is that clear? अब आप question number 31 पे आ जाओ. 31. 6 points are on a circle. Find the number of quadrilaterals that can be formed. मैंने आपको लेक्चर में बोला था, when they say certain number of points are on circle, it's an indirect way to tell you के सारे non-collinear points हैं. So they are given as 6 non-collinear points. और तुमको बोलो number of quadrilaterals ढूंढने को बोल रहे हैं, तो number of quadrilaterals का तो मैंने formula लिखा के दिया आपको. It is n c 4, जहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया है? 6. Now you know 6 c 4 is same as 6 c 2, and how do we calculate 6 c 2? 6 into 5 upon 2 into 1, 30 upon 2, 15. तो आप 15 quadrilateral draw कर सकते हो. कौन सा ऑप्शन में दिया है 15? C ऑप्शन. That's your answer. Clear चे? Question number 32 देखो, how many ways a team of 11 players can be made? Hey, team बनाना, committee बनाना, group बनाना, famous example of
कॉम्बिनेशन, तो 11 प्लेयर का टीम बनाना है आउट ऑफ 15 प्लेयर्स इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर इज नॉट टू बी सिलेक्टेड. मैंने हमेशा बोला है व्हेनेवर दे टॉक अबाउट पर्टिकुलर प्लेयर, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स, नेम देम. टोटल 15 प्लेयर्स है, दे आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर प्लेयर, उसको ए नाम दे दो. तो इसको छोड़ के रिमेनिंग प्लेयर्स कितने हैं? 14. अब वो लोग बोल रहे हैं जब तुम 11 प्लेयर का टीम बनाएगा ये पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इसको भूल जाओ. सो इनडायरेक्टली 14 प्लेयर्स ही बचा है जिसमें से 11 सिलेक्ट करना है. सो नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या आएगा? 14 प्लेयर में से आई हैव टू सिलेक्ट 11. यूज द प्रॉपर्टी, 14 और 11 का डिफरेंस क्या है? 3. So this is same as 14C3. How you calculate 14C3? 14 into 13 into 12 upon 3 into 2 into 1. 3, 4 is a 2, 7 is a. Karo 7 into 13 into 4. 364. Option A. Is that clear? Acha, by the way, this was question number 32. 32nd question. Question number 33, dekho, 33. There are 6 seats of article clerks which are vacant in a chartered accountant firm. So, there are 6 vacancies. How many different batches of candidate can be chosen out of 10 candidates? He has to select 6 candidates out of 10. Select what is a combination. And this is basic. I have 10 candidates, 6 vacancies. So, how many will I select from 10? 6. So, out of 10 objects, 6 objects can be selected in how many ways? 10C6 ways, which is 10C4, and then calculate 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. 4, 2, 8 cancel कर देगा, 3 इसको 3 बना देगा, 7, 3 is 21, 21 into 10 is 210. 210 कौन सा option है? B वाला option. Clear? Next, question number 34. A building contractor needs 3 helpers and 10 men apply. In how many ways can this selection take place? Question number 34 में लिखेगा भी नहीं, मैं से orally discuss करेगा. 10 आदमी है, उसको 3 helper चाहिए, तो 10 में से 3 select करेगा कि arrange करेगा? Select करेगा. कितना ways में? 10C3. और 10C3 calculate करके देखो क्या answer आता है. करेगा क्या? Okay. फिर भी बता देता है इसका आंसर 120 आएगा, बिकॉज 10C3 इज 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 to 1, तो ऊपर 720 नीचे 6, 720 बाई 6 इज 120. डी ऑप्शन. चलो अभी स्टैटिस्टिक्स पार्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 61 थियरी क्वेश्चन है, ओरली डिस्कस करेंगे. हाइट, मार्क्स, एज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? ए हाइट आया, एज आया, काउंट करता है, मेजर करता है, मेजर करेगा ना, तो इफ वी मेजर इट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बी वाला ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 62. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन दैट एरिथमेटिक मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी इज ₹5625. नाउ लुक एट द डेटा गिवन टू यू, इट इज क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी. अब क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, लेकिन डेटा एरिथमेटिक मीन का है, एक्स बार. इट इज गिवन टू अस एज 5625. तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूअस डेटा के लिए? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई ना. तो अपने को क्लास इंटरवल से पहले एक्स आई ढूंढना पड़ेगा,
अब एक्स आई कैसे ढूंढते हैं व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन मिड वैल्यूज टेल मी द मिड वैल्यूज ऑफ दोस क्लास इंटरवल 2500 3500 एंड सो ऑन तो इसका एक्स आई आएगा 2500 3500 मिसिंग फ्रीक्वेंसी को अपन एक्स ले लेगा तो ये 10 है 15 30 एक्स 65 एंड 25 अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज है इसको एज इज रख के सॉल्व करोगे ज्यादा टाइम लगेगा तो लेट अस यूज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और जरूरत पड़ा तो चेंज ऑफ स्केल भी यूज करेंगे तो मैं एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहा हूं तो पहला मैं सब्ट्रैक्ट करके छोटा बनाएगा तो सबसे छोटा 2500 सबसे बड़ा 7500 रफली मिड वैल्यू 5500 ले रहा हूं तो अगर मैं सबको 5500 से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आएगा -3000 ये आएगा -2000 -1000 0 1000 2000 ये फिर भी बड़ा बड़ा नंबर्स है सो लेट अस फर्दर डिवाइडेड बाय 1000 3 -2 -1 1 2 सिंपल हो गया ये तो अभी हम सब कुछ y और f को लेके करेंगे तो लेट अस गो फॉर समेशन fi y fi into y तो वो जब मैं करेगा -30 -30 इज -60 -60 -30 इज -90 x into 0 0 65 into 1 65 25 into 2 50 what is 65 plus 50 115 और इधर क्या मिला था -90 तो समेशन f y y आप कैलकुलेट करोगे तो 25 आएगा फिर समेशन f कैलकुलेट करो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 10 20 50 50 plus 60, 110, 110 plus 20, 130, 140, 145, 145 plus x. अब y bar calculate करते हैं. तो y bar is equal to summation fi y upon summation f, which is 25 upon 145 plus x. Now क्योंकि तुमको y और x में connection मालूम है, तो तुम y bar x bar में भी connection ढूंढ सकते हैं ना? और हमने क्या सीखा था y और x में जो रिलेशन है सेम रिलेशन y बार और x बार में होता है तो सिंस y इज इक्वल टू x माइनस देयरफॉर व्हाट विल बी y बार x बार माइनस 5500 अपॉन 1000 अब y बार मेरे को मिला है 25 अपॉन 145 प्लस x x बार क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन में एरिथमेटिक मीन देखो स्टार्टिंग में 5625 माइनस 5500 अपॉन 1000 अब ये कैलकुलेट करते हैं ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू तो दिस विल बी 25 अपॉन 0.125 इक्वल टू 145 प्लस x अब ये कैलकुलेट करो 25 डिवाइड बाय 0.125 करोगे तो ये 200 आएगा सो 200 इज इक्वल टू 145 प्लस x सो x का वैल्यू विल बी 55 Now which option is 55? D वाला option. क्या चल आंसर? कितना clear है? So basically ये सब में अगर आपको calculation time बचाना है तो आपको ये shift of origin and change of scale वाला property use करना पड़ेगा. तो ये वो आराम से solve होता है. अब question number 63 हम orally discuss करेंगे.
P and Q, they are two related variables such that 2P plus 3Q is equal to 20. Geometric mean of P 5 diye, and then they are asking the geometric mean of Q. अब देखो P and Q के बीच में addition, multiplication का connection है. It is shift of origin and change of scale. And if you remember, geometric mean में shift of origin and change of scale का property होता ही नहीं है. There is no connection between those two properties and geometric mean. तो उन्होंने जो P and Q का relation दिया है, उससे आप एक का अगर GM पता है तो दूसरे का GM find out नहीं कर सकते, because ऐसा कोई property नहीं है. तो obviously the answer is cannot be determined. ये हमने डिस्कशन के टाइम पे पॉइंट सेक्शन में डिस्कस किया था. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 64. इफ x इज ट्रैवलिंग 16 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द एवरेज रेट पर आवर एट व्हिच ही ट्रैवल्ड. मतलब तुमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोला है. जैसी एवरेज स्पीड आया तो मेरे दिमाग में हार्मोनिक मीन आना चाहिए. इफ यू रिमेंबर हमारे पॉइंट सेक्शन में हार्मोनिक मीन कौन से केस में यूज करना चाहिए वो दिए, एंड वन ऑफ द केसेस एवरेज स्पीड. नाउ हियर अलोंग विद स्पीड दे हैव गिवन यू कि उसने कौन से स्पीड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो डोंट यू थिंक जिस स्पीड से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे डिस्टेंस क्या काम कर रहा है, वेट्स की तरह काम कर रहा है, एंड वेट्स मतलब फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रहा है. सो हियर योर ऑब्जर्वेशन इज स्पीड, जिसका तुमको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड फ्रीक्वेंसी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो उन्होंने तुमको एक्स और एफ का डेटा दिया है. अब देखो स्पीड क्या क्या दिए, 4 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर. 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 16. 3 का स्पीड से 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, और 2 का स्पीड से 4 किलोमीटर ट्रैवल किया. अब याद करो x और f वाला डेटा दिया रहेगा तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन f1 बाय x1 प्लस F2 बाय X2 प्लस F3 बाय X3. तीन ऑब्जर्वेशन है करके मैं F3 बाय X3 तक जा रहा है. ज्यादा होता तो आगे और एडिशन भी होता. नाउ टोटल फ्रीक्वेंसी देखो कितने है, 10 प्लस 16 26. एंड नाउ वी गो फॉर F1 बाय X1. F1 अपॉन X1 16 बाय 4. F2 बाय X2 2. F3 बाय X3 2. So this is 26 upon 8. What is 26 upon 8? 3.25 kilometers per hour. That is your average speed, which is option B. Ye harmonic mean ka concept hai. Clear? Now look at question number 25. Sorry, question number 65. Two variables x and y are related by 2x plus 3y minus 7 equal to 0. Mean and mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively. X ka mean 1 hai aur uska mean deviation 0.3 hai. And they want you to find coefficient of mean deviation of y. Now try to understand coefficient of mean deviation of y ka formula kya hai? Mean deviation of y upon y bar into 100. तो ये formula अगर use करना है तो तुमको y का mean deviation और y का bar फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके लिए दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. तो उसमें ना मैं y को एक साइड पे रख के बाकी सबको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं.
क्लियर है. अब मैं एक्स बार वाले डेटा से मेरे वाई बार फाइंड आउट करेगा, तो वी नो जो रिलेशन एक्स और वाई में होता है सेम रिलेशन वाई बार एंड एक्स बार में होता है. सो इवन वाई बार विल बी माइनस 2/3 एक्स बार प्लस 7/3. अब एक्स बार का वैल्यू क्या है, 1, पुट करो 1. अब आपको पता है इनटू 1 का कुछ इंपैक्ट नहीं होता, तो 7/3 माइनस 2/3 इज 5/3. तो y बार का वैल्यू 5/3 मिल गया. नाउ व्हेन इट अबाउट मीन डेविएशन, कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन, याद रखो कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है. तो जब मैं इसको मीन डेविएशन में कन्वर्ट करेगा, क्या ये एडिशन का फर्क पड़ेगा? नहीं. क्या ये मल्टीप्लिकेशन का फर्क पड़ेगा? यस. एंड कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं. तो व्हेन यू कंसीडर दिस यू विल रिमूव द माइनस साइन. तो दिस विल बी 2/3 into mean deviation of x. What is mean deviation of x? 0.3. Put the 0.2 upon 5/3 into 100. Denominator ka denominator numerator pe jayega. So it is 0.6 upon 5 into 100. 5 इसको 20 बनाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 12% है. क्या ऑप्शन में बेस्ट? हाँ, बी ऑप्शन है ना. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 65. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट are 40 and 3 respectively. Mean 48. Standard deviation 3a. It was afterwards detected that the marks of one student was wrongly written as 37 instead of 73. तो एक observation गलत हो गया. वो गलत observation था 37. और करेक्ट ऑब्जर्वेशन था 73. एंड नाउ दे वांट अस टू फाइंड द करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. क्योंकि ये सब में फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई भी बात नहीं किया, तो यू हैव टू ट्रीट दिस एज रॉ डेटा. तो रॉ डेटा के हिसाब से एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स आई अपॉन एन. एक्स बार दिया है 40. समेशन एक्स है अपने को नहीं मालूम है. टोटल कितना स्टूडेंट्स है ये सब में? 100. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100. तो समेशन एक्स है क्या आएगा? 4000. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्स बार गलत क्यों आया, क्योंकि समेशन एक्स है गलत. तो ये गलत वाला समेशन एक्स है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय समेशन ऑफ एक्स है? सर सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, तो उसमें ये गलत वाला ऑब्जर्वेशन भी ऐड हुआ है. तो इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? इसमें से गलत वाला ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करो और करेक्ट वाला ऑब्जर्वेशन ऐड करो. तो हाउ विल आई गेट करेक्ट समेशन एक्स फ्रॉम 4000? यू सब्ट्रैक्ट 37 एंड यू ऐड 73. सो इफ आई डू दिस, आई गेट 4036. और ये रेक्टिफाई हो गया है, तो एक्स बार भी रेक्टिफाई हो जाएगा. नाउ करेक्ट एक्स बार क्या है? करेक्ट समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो दैट इज 4036 अपॉन 100. दैट इज 40.36. 40.36 पहला दो ऑप्शंस में है, तो पहला दो ऑप्शन में से कुछ करेक्ट रहेगा. अब एक काम करते हैं, लेट अस यूज दिस. सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायरिंग करूं तो यहां से रूट हट जाएगा. अगर आप सिग्मा एक्स का गलत वैल्यू डाल रहे हो, तो राइट हैंड साइड में भी सब गलत वैल्यू डालना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट रॉन्ग है तो राइट भी रॉन्ग ही होगा.
3 का स्क्वायर 9, समेशन x स्क्वायर नहीं मान लो 100, x बार का गलत वैल्यू क्या है 40, 40 का स्क्वायर 1600, इधर जाएगा 1609, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समेशन x स्क्वायर क्या आएगा 160900। नाउ व्हाट विल बी समेशन ऑफ x स्क्वायर, सर हर ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किए, तो इसमें गलत वाला ऑब्जर्वेशन भी स्क्वायर होकर ऐड हुआ रहेगा, तो रेक्टिफाई कैसे करोगे, गलत वाले का स्क्वायर सबट्रैक्ट करो, करेक्ट वाले का स्क्वायर ऐड करो, अब आप ये एक ही फ्लो में कैलकुलेट कर सकते हो, हम लोग मेमोरी प्लस माइनस का ऑप्शन लेंगे, पहले ये टाइप करो 160900, इसको मेमोरी में ऐड कर दो, ये कैलकुलेट करके मेमोरी में सबट्रैक्ट करो, 37 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे, 37 इनटू इक्वल टू मेमोरी माइनस, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके मेमोरी में ऐड करो, तो 73 इनटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, तो ये पूरा कैलकुलेशन अब मेमोरी में स्टोर्ड है, तो मेमोरी रिकॉल करो, तो आएगा 164860। तो ये भी रेक्टिफाई हो चुका है, x बार भी रेक्टिफाई हो चुका है, तो आप सिग्मा x का करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ यूज करेक्ट वैल्यूज एवरीवेयर, करेक्ट समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस करेक्ट x बार, ये भी अपने को एक फ्लो में मिलेगा, पहले आप ये कैलकुलेट करके मेमोरी में ऐड कर दो 164860 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू m प्लस, अब ये कैलकुलेट करके मेमोरी में सबट्रैक्ट करो 40.36 इनटू इक्वल टू मेमोरी माइनस, तो ये पूरा कैलकुलेशन मेमोरी में स्टोर्ड है, सो मेमोरी रिकॉल करो एमआरसी, तो अंदर का वैल्यू तुम्हारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और जैसे आप रूट ले लोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा which is 4.435 कहां पर है, ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये कैलकुलेट करके मेमोरी में ऐड करो, स्क्वायर निकाल के मेमोरी में सबट्रैक्ट करो, देन प्रेस एमआरसी, तो ये अंदर का वैल्यू डिस्प्ले होगा, और जैसे ही रूट को डबल करोगे आपको ये आंसर दिखेगा, एंड यू विल बी एबल टू मार्क द ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67, एक्स का वेरिएंस दिए 36, तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा 6, एक्स और वाई में कनेक्शन दिए, सबको ये साइड शिफ्ट करो 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 20 डिवाइड बाय 4, y is equal to minus 3 by 4 x plus 5, अब जब आप इसको सिग्मा वाई में कन्वर्ट करोगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या, नहीं, चेंज ऑफ स्केल से, हाँ, माइनस साइन को इग्नोर करो, तो 3 upon 4 into sigma x 6 है, बहुत सिंपल है। The line of regression are as follows. उन्होंने दो line regression का line दिया हुआ है और तुमको x bar and y bar find out करना है. If remember x bar y bar दोनों regression line का point of intersection होता है. तो definitely वो point दोनों line को satisfy करेगा ना. तो सीधा option use करो ना trial error method.
जो ऑप्शन दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही तुम्हारा एक्स बार एंड वाई बार का वैल्यू होगा. सो इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट लास्ट ऑप्शन सेटिस्फाई करता है. तो अगर ए बी सी फेल हो गया तो डी चेक भी नहीं करने का, गपचुप मार्क करने का, सेव योर टाइम. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 69 देखो. लुक एट क्वेश्चन नंबर 69. फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस ऑब्टेन्ड फॉर डिराइविंग रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स. दो नॉर्मल इक्वेशन दिए. पहला इक्वेशन है फाइव ए प्लस 10 बी इक्वल टू 40. दूसरा वाला है 10 ए प्लस 25 बी इक्वल टू 95. और वो लोग तुमको रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स बोल रहे हैं. दिस इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर. जब नॉर्मल इक्वेशन दिया रहता है तब y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन कैसा दिखता है? y इक्वल टू a प्लस bx. इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, a एंड b मिल जाएगा एंड सब्स्टिट्यूट, दैट विल वाइंड अप द सम. नाउ हाउ यू सॉल्व इन साइमल्टेनियसली, ये वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? 10 ए प्लस 20 बी इक्वल टू 80. अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. 10 ए 10 ए कैंसिल, 25 बी माइनस 20 बी 5 बी, 95 माइनस 80 15. तो बी का वैल्यू क्या है? 3. डालो बी का वैल्यू 3 कोई भी एक इक्वेशन में. 30 95 माइनस 30 65. सॉरी बी में डाल है माइनस से, बी में डालोगे 25 इंटू 3 75. 95 माइनस 75 20. 10 इज इक्वल टू 20 तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 2. तो बी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया. डालो इधर क्या आएगा आंसर? वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3x. कौन से ऑप्शन में दिए? y को यहां पे शिफ्ट कर दो. 3x माइनस y प्लस 2. सब अगर एक साइड पे आ गया तो दूसरे साइड पे क्या बचेगा? 0. देखो कौन से ऑप्शन में 3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0. सी ऑप्शन. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 70 क्लासरूम में भी था और हमने रिवीजन में भी सॉल्व किया. इट इज द सेम सम जिसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों करेक्ट आते हैं. तो उधर सी ऑप्शन आएगा, बोथ ए एंड बी अबव आर ट्रू. नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 71. स्टेट द नेचर ऑफ कोरिलेशन प्रोडक्शन ऑफ बिग आयरन एंड सूट कंटेंट इन जमशेदपुर. अब सूट क्या होता है ना, जब वो लोग आयरन को बर्न करते हैं तो जो कार्बन कंटेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज सूट कंटेंट. तो डोंट यू थिंक तुम जितना आयरन का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा उतना सूट का कंटेंट भी ज्यादा आएगा. तो ये इंक्रीज हो रहा है तो सूट का कंटेंट भी इंक्रीज हो रहा है. तो चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन. तो कौन सा रिलेशन हुआ ये? पॉजिटिव कोरिलेशन. तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन. फिर आप 74 देखो. अ बॉक्स इज कंटेनिंग 12 इलेक्ट्रिक लैंप्स जिसमें 5 डिफेक्टिव है. पांच डिफेक्टिव है मतलब बाकी 7 वर्किंग है. वो लोग बोलते हैं अ मैन इज सिलेक्टिंग 3 लैंप्स एट रैंडम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप्स इन हिज सिलेक्शन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तुम जो भी लैंप ले रहे हो तुम उसको दो पॉइंट पीछे दिख रहे हो, डिफेक्टिव है कि वर्किंग है. बाइनोमियल में यही होता है. वो कितने लैंप्स का सैंपल ले रहे हैं? 3 लैंप्स का सैंपल ले रहे हैं. तो n का वैल्यू 3 है. He has taken sample of 3 lamps. Now they are asking you expected number of defective lamps. तो lamp का defective होना उनके लिए success है. तो यहाँ पे x का मतलब है number of defective lamps. P मतलब probability of success. Success मतलब defective होना. तो कितना डिफेक्टिव है? 5. टोटल कितना है?
12, तो डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 5/12. And now they are asking you expected number of defective lamps. E of x पूछ रहे हैं. Binomial का कॉन्सेप्ट में E of x कैसे मिलता है? N into P. तो 3 into this. 15/12 करो. 1.25 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए. देखो हम ना इसको नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी कर सकते हैं, समेशन पी आई एक्स आई वाला फॉर्मूला, बट वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. तो अगर आप रियलाइज करो कि ये बाइनोमियल से सॉल्व हो सकता है, देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया. इसलिए मैंने बाइनोमियल का क्राइटेरिया याद रखवाया था दैट एवरी आउटकम हैज टू बी लुक्ड एज टू पॉइंट ऑफ व्यू, सक्सेस एंड फेलियर. नंबर ऑफ ट्रायल्स कम होना चाहिए जो कम है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बड़ा होना चाहिए, विच इज ग्रेट. क्लियर है? ओके. क्वेश्चन नंबर 75 देखो. क्वेश्चन नंबर 75, अरुण एंड तरुण अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज. तो जो दो जॉब का वैकेंसीज है और दो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं. अरुण का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तरुण का सिलेक्शन का 1/5. अरुण सिलेक्शन 1/3, तरुण का सिलेक्शन इज 1/5. बोलो बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड. ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड. पहला तो दो जॉब वैकेंसी है ना, तो अगर अरुण को जॉब मिला तो तरुण को नहीं मिलेगा, ऐसा है कुछ है क्या? नहीं सर, दो वैकेंसी है तो एक के जॉब मिलने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अगर अरुण का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो अरुण का सिलेक्ट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2/3. तरुण के सिलेक्शन का चांस 1/5 है, तो तरुण के सिलेक्ट ना होने का चांस कितना है? 4/5. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. अब वो लोग बोलते हैं फाइनल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन सिलेक्ट. नाउ व्हेन दे से ओनली वन, आर यू वेरी क्लियर विच वन? नहीं, पॉसिबिलिटी ओनली अरुण भी हो सकता है, और एल्स ओनली तरुण भी हो सकता है. अब जब तुम बोलते हैं सिर्फ अरुण सिलेक्ट हुआ, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? कि अरुण सिलेक्ट हुआ एंड तरुण सिलेक्ट नहीं हुआ, और एल्स ओनली तरुण सिलेक्ट हुआ का मतलब क्या है? अरुण सिलेक्ट नहीं हुआ एंड तरुण सिलेक्ट हुआ, एंड बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो उनके बीच का जो एंड है वो सीधा मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा. तो अरुण के सिलेक्ट होने का चांस 1/3, तरुण के सिलेक्ट ना होने का चांस 4/5. What is 1/3 into 4/5? 4/15. अरुण के सिलेक्ट ना होने का चांस कितना है? 2/3. तरुण के सिलेक्ट होने का चांस 1/5. What is 2/3 into 1/5? 2/15. ऐड करो, क्या आएगा आंसर? 6/15. 6/15 का मतलब 3 2s are 3 5s are. So your probability is 2/5. 2/5 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन. क्लियर है? हमने ऐसे सम्स क्लास वर्क में किए. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 76. थियरी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. द कर्व ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड वाई कोऑर्डिनेट आर द करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जैसी वो लोग ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया, इधर ही क्लैरिटी आ गया. वो लोग ओजाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. ऑप्शन ए, ठीक है. 77,
data collected on religion from the census report are secondary data. Already किसी के पास है, आपने बस वहाँ से copy की है. 78. Which of the following bar diagram, sorry, which of the following diagram is appropriate to represent various heads in total cost? तो आपका जो total costing है, उसको labour cost, processing cost, standing charges, ये सब sectors में अगर divide करना है, तो pie chart is the best representation. 79. ABCD का geometric mean 3 है. तो 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon D का geometric mean क्या होगा? अगर आपने सारे observation को reciprocal कर लिया है, तो उसका geometric mean भी तो reciprocate होगा. तो answer क्या आएगा? 1 by 3. We have done this question. Then, question number 80. Find the third decile for the given values. Partition value आ गया ये. Partition value का सबसे पहला criteria क्या है? Data should be arranged in ascending order. Raw data दिया ना, ascending order में arrange करते हैं. इसका ascending order क्या आएगा? 9, 10, 11, 12. ये आपका डेटा है. Now they want us to find third decile. Number of observations are 8. DI का फॉर्मूला क्या था? N plus 1 upon 10 into ith observation. Now because they are asking you third decile, तो आप I के जगह पे 3 put करोगे. तो फॉर्मूला में क्या I के जगह पे 3, N के जगह पे 8. 8 plus 1, 9. By 10 into 3. So this is equal to 2.7th observation. Now how to handle this situation? ये भी हमने discuss किया. 2.7th observation को आप लिखोगे. Second observation plus the decimal part 0.7. अब 2.7 कौन से दो observation numbers के बीच में आता है? 2 and 3 के बीच में. Difference ले लो उसका. Third observation minus second observation. अब second observation क्या है? 10 plus 0.7. Third minus second करो. Third observation minus second observation. 1. 0.7 into 1 is 0.7. 0.7 plus 10 is 10.7. 10.7 कौन सा option है? B option. That's your. Now the next question is question number 81, theory question है, हमने add भी किया था, first n natural numbers का standard deviation क्या है, root of n square minus 1 upon 12, कौन सा option है, first option, look at question number 82, find the mean deviation about mean of the given data, raw data दिया है, mean deviation about mean पूछ है. Mean deviation from x bar, raw data के लिए, formula क्या है? Summation of x minus x bar upon n. X क्या दिया आपने को? Sorry, it is summation of mod of xi minus x bar upon n. X is 4, 5, 6, 8, 3. तो इसका अगर आप टोटल निकालोगे 4 plus 5, 9, 9 plus 6, 15, 15 plus 8, 23, 23 plus 3, 26. So if I calculate x bar, it is summation x upon n, which is 26 divided by 5, which is 5.2. अब अगर x bar 5.2 है, तो how will you find mod of x minus x bar? सब में से 5.2 subtract करो, minus sign को ignore करो.
And now if I add them up, 2, 4, 4 plus 8, 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 2, 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 7.2. So this is going to be 7.2 upon number of observations is 5. Karo 7.25 by 1.44 कौन सी ऑप्शन में सी ऑप्शन कैसा आंसर लुक एट क्वेश्चन नंबर 83 ओरली डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल है इफ सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज Now when you add or subtract a fixed value from all observation, ये कौन सा effect है? Shift proportion. तो लोग बोलते हैं standard deviation और variance पे क्या impact आएगा? ये दोनों measure of dispersion है. Measure of dispersion को shift of origin से फर्क पड़ता है क्या? नहीं. So both of them will remain unchanged. Second option. Question number 84 पे आ जाओ. By x दिए, bxy दिए, and they are asking you coefficient of determination. Coefficient of determination का फॉर्मूला क्या है? R square का फॉर्मूला b by x into bxy बस मल्टीप्लाई करो गिवन वैल्यूज को 1.6 into 0.4 0.64 किधर है 0.64 लास्ट ऑप्शन क्लियर क्वेश्चन नंबर 85 देखो Two variables x and y are related according to ये उनका equation दिया है और फिर लोग बोलते हैं x and y में positive correlation है negative correlation है zero correlation है कि none of this है what is the concept because they have given you equation in x and y find the slope positive आया तो positive correlation और negative आया तो negative correlation slope का formula क्या है माइनस ए बाई बी दैट इज माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नेगेटिव है तो ऑप्शन क्या आएगा बी नेगेटिव कोरिलेशन ओके नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 87 देखो 10 मेन among whom are A and B. They stand in a row. What is the probability that there will be exactly three men between A and B? हमने ये same sum classwork में solve किए हैं. फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ. 10 लोग हैं, जिसमें से एक का नाम A है, एक का नाम B है. तो बाकी कितने बचे? आठ लोग. बराबर ना वो लोग बोलते हैं दिस 10 मैन दे स्टैंड इन अ रो जब मैं सैंपल स्पेस का बात करता है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू स्टैंड इन अ रो इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ परम्यूटेशन तो 10 पीपल कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 10 फैक्टोरियल बेस ये नो बेस्ट आंसर है किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है वो तुम्हारे लिए इवेंट बनेगा दे वांट एग्जैक्टली 3 मैन बिटवीन ए एंड बी सो लेट एक्स बी एन इवेंट That you have three men between A and B. तो रो में 10 लोग खड़े रहने वाले हैं. उनको A और B के बीच में exactly 3 लोग चाहिए. तो for example, अगर A इधर बैठे, 3 gap छोड़ के B बैठे, तो ये condition satisfy होगा. That means A और B कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं एक है 1.5 अगर A शिफ्ट हुआ तो B को भी शिफ्ट होना पड़ेगा सो इफ यू फॉलो दैट लॉजिक 1.5 2.6 3.7 4.8 5.9 6.10 ये कोई भी पोजीशन में बैठे ये स्टेटमेंट पक्का सेटिस्फाई होगा सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 6 वेज
लेकिन फिलहाल मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया उसमें ए पहला बैठा है, बी बाद में बैठा है, बट ऐसा उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला, तो ए और बी आपस में अरेंज हो सकता है ना। तो ए एंड बी अमॉन्ग देमसेल्व्स कितना भी अरेंज हो सकता है, टू फैक्टोरियल। ये दोनों चीज सिर्फ ए एंड बी का बात कर रहे हैं, दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ। अब बाकी कितना लोग बचा, आठ। सो दिस एट रिमेनिंग पीपल कैन अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स इन एट फैक्टोरियल वेज। और आपको पता है क्लियरली ये सब एंड आएगा कि छह वेज में अपने को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी छह वेज में ऑक्यूपाई करेगा एंड वो लोग आपस में टू फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं एंड रिमेनिंग आठ का एट फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग दिस? तो एन ऑफ एक्स क्या आएगा, सिक्स इंटू टू फैक्टोरियल इंटू एट फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आएगा, 6 into 2 factorial into 8 factorial upon n of s, that is 10 factorial। तोड़ दो इसको, eight factorial cancel, 2 इसको 5 बनाएगा, 3 twos are, 3 threes are, तो आंसर क्या आएगा, 2/15, है क्या 2/15? लास्ट ऑप्शन क्लियर है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 88। ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दिया है एंड दे आर आस्किंग यू पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। सिंपल है ना, ये तो this is p of a intersection b the whole dash, de Morgan's theorem, which is 1 minus p of a intersection b, p of a intersection b diya hai 1/4, so what is 1 minus 1/4, 3/4, 3/4 kaun se option mein, second option, that is the answer। Abhi question number 89 dekho, 89। Among the examinees, statistics में फेल होने वाला 30% लोग हैं, mathematics में फेल होने वाला 35% लोग हैं, and at least one of them में फेल होने वाला 45% लोग हैं। An examinee selected at random, find the probability that he failed in mathematics only। समझो A का मतलब failed in maths, B का मतलब फेल इन स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ्स में कितना लोग फेल हुआ है, 35%, परसेंटेज इज वन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में कितना लोग फेल हुआ है, 30%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 30/100 एंड देयर विल बी एटलीस्ट वन ऑफ देम में 45% फेल हुआ है। दो इवेंट वाले सब में एटलीस्ट वन वाला फ्रेज आया, मतलब एडिशन थ्योरम है। So that is they are asking, they are giving you P of A union B 45%। और उनका मेन क्वेश्चन क्या है, ओनली मैथ्स में फेल होने वाला कितना लोग है, मतलब they are asking you probability of only A। Only A मतलब क्या, A occur होगा and B occur नहीं होगा। How do you find P of A intersection B dash? P of A माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द फॉर्मूला। लेकिन ये टर्म मिसिंग है, बट ये टर्म फाइंड आउट करने के लिए तुमको ये दिया है ना, तो यू कैन यूज एडिशन थ्योरम। सो इफ यू यूज एडिशन थ्योरम, पी ऑफ ए एंड बी के जगह पे क्या आएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 45/100। नाउ बी स्मार्ट, तुमको इसका आंसर चाहिए, तो तुम ना P of B को राइट में शिफ्ट कर दो, ये दोनों टर्म को एज इट इज रखो, P
पी ऑफ बी को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, अब देखो यही एक्सप्रेशन का आंसर चाहिए तुमको, पी ऑफ बी कितना है 30/100, तो व्हाट इज 45/100 माइनस 30/100 बहुत सिंपल है, 15 1 रुपए का कॉइंस है, 25 2 रुपए का कॉइंस है और 10 5 रुपए का कॉइंस है, तो टोटल कॉइंस कितना हो गया, 15 प्लस 25 प्लस 10 50 कॉइंस हो गया, तो टोटल आउटकम 50 हो गया। इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ 1 रुपए कॉइन, उनको 1 रुपए का कॉइन सिलेक्ट नहीं करना है, तो तुम 50 कॉइन में से जो 15 1 रुपए कॉइंस है वो निकाल दो, अगर 50 कॉइन में से 15 कॉइन मैंने निकाल दिया तो कितना बचेगा 35, दैट मींस 35 कॉइंस तुम्हारे फेवर में है और टोटल 50 कॉइंस है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 35/50, अब 35/50 करो 5 से कैंसिल, 5 7 जा 5 10 जा, तो 7/10 तो आंसर क्या आएगा 0.7, बी ऑप्शन, इज द थिंग क्लियर। Now look at question number 91. Binomial का समय, उसका mean 4 दिया है, mean मतलब NP. उसका variance 4/3 दिया है, मतलब NPQ. And they want us to find probability of x greater than equal to 1. पहला, ये value इधर put करो. तो 4Q equal to 4/3. तो Q का वैल्यू 1/3 आएगा, फिर P का वैल्यू क्या आएगा 2/3, 1 माइनस Q, P का वैल्यू यहां पे पुट करो, तो N इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4, 2 इसको 2 बनाएगा, 3 2 सर, N का वैल्यू 6, N रेडी है, P रेडी है, Q रेडी है, तो आप बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, N C X P raised to x, Q raised to n minus x, x starts from 0, 1 and goes up to n, that is 6. और उनका देखो question क्या है, probability of x greater than equal to 1, that is what they are asking you, which is 1 minus probability of x less than 1. अब less than 1 का मतलब क्या, 0, तो फॉर्मूला में x का वैल्यू 0 पुट करो, 6c0 1 होगा, 2/3 रेस टू 0 1 होगा, तो आएगा क्या 1/3 रेस टू 6। नाउ कैलकुलेट दिस, 1/3 कितना होता है 0.33333, तो एक काम करो ना, 1/3 मतलब 0.33333 raised to 6, ये कैलकुलेट करो और 1 में से सबट्रैक्ट करो, जीरो पॉइंट 9986 आना चाहिए। ओके, उन्होंने आंसर फ्रैक्शंस में रखा, 3 raised to 6 क्या आएगा 729, 1 minus 1 upon 729 करोगे तो क्या आएगा 728 upon 729 मतलब फर्स्ट ऑप्शन। तो एक्चुअली ना सॉल्व करने से पहले ये मेरा ही मिस्टेक है, ऑप्शंस देख लिया करो, फ्रैक्शंस में था तो हम एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, उतना कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 92, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन एंड मोड हमेशा इक्वल होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। 93, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया है नॉर्मल कर्व का 6 एंड 14 और अपने को उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। अब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। अब ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्शन वाला वैल्यू छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो दिस इज 6 एंड दिस इज 14, उनको सिग्मा चाहिए तो तुम म्यू को एलिमिनेट करो बाय सब्ट्रैक्टिंग। म्यू माइनस म्यू कैंसिल, माइनस सिग्मा इज माइनस 2 सिग्मा, 6 माइनस 14 इज माइनस 8, तो सिग्मा इज इक्वल टू 4 और उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों पूछा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, ऑप्शन ए। Now if you look at question number 95, पहले 95 देख लो। In dash distribution mean is equal to variance. Poisson distribution, उसमें mean और variance same होता है, simple सा समझे। 96, normal distribution दिए। X is following normal x, 36, y is following normal 5, 64, and x plus y is following normal b, a, और तुमको a का value पूछा है। Normal में क्या दिया रहता है? अगर दो variable normal को follow करता है तो उनका एडिशन भी नॉर्मल को फॉलो करेगा, जहां पे आप दोनों पैरामीटर्स को स्ट्रेट अवे ऐड करते हो। तो जब आप ऐड करोगे तो पहला आएगा x plus 5 और दूसरा आएगा 36 plus 64 that is 100 और वही वैल्यू तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो a का वैल्यू क्या आएगा, 100, व्हिच इज ऑप्शन ए। एंड नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 94। For a poison variable, अपने को उसका mean find out करना है, तो we go poison variable में mean मतलब m को ढूंढना। अगर m missing है, तो मुझे poison का formula as it is use करना पड़ेगा। उन्होंने condition क्या दी है? Put x equal to 1 in the formula. तो आएगा e raise to minus m, m raise to 1 is m, 1 का factorial is 1, put x equal to 2 in the formula, तो आएगा e raise to minus m, m square, 2 का factorial is 2, e raise to minus m cancel, m, ये m square को m बना देगा, तो बचेगा क्या, 1 is equal to m upon 2, cross multiply, what is m, 2, तो मीन का वैल्यू 2 है, विच इज ऑप्शन सी। सो विद दिस हमने आपके पेपर का ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए। ओके, थैंक यू।